इसका नामकरण हमने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र दिया था और उसके लिए सम्राट अशोक के जितने बहुत सारे लोग जिनकी चर्चा करते थे उन लोगों ने हमसे मुलाकात की जी। 15-16 इसी में हम लोगों ने बात किया कि इसका एक सरकारी ये होना चाहिए उनकी जयंती का, तो उसी में हम लोगों ने कहा कि कब उनका था, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ कि उनका अष्टमी से बहुत मतलब था, तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया। और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज़ निकाल के देख लीजिएगा, तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं है। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है, तो लोगों ने माना है, तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है। और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास कर दिया था हम लोगों ने प्रावधान, अवकाश कर दिया था, तो हमने उसी समय प्रावधान। और उसके बाद यहाँ पर भी एक, चूँकि उनका तो कोई तस्वीर पहले से नहीं ना है, तो एक उसी तरह से बना करके, तो देखिएगा दोनों रूप में उनका स्वरूप बना करके काफ़ी एक्सपर्ट लोगों को बुला करके वही यहाँ पर तस्वीर, तो हम तो हर बार आकर के यहाँ पर करते रहते हैं माल्यार्पण, और नाम भी यही रखा था। तो अभी हमने सोचा कि भाई नहीं, इनका सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में यहाँ लगा दिए हैं, तो आज के दिन जब इसका हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आज के विशेष समारोह बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने एक मूर्ति एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने स्थापित किया है, तो इसी को एक राजकीय समारोह इसको भी बनाना, इसका भी माल्यार्पण करने के लिए, तो हम तो आते हैं बराबर आकर के करते हैं, ये आप लोग नहीं देखे होंगे या कोई देखे भी होंगे, हम जब भी आते हैं तो करते हैं माल्यार्पण, सबको इसी दिन करना चाहिए सर, कुछ लोग पहले हाँ आज के दिन तो करना चाहिए, यही मेरे मन में बात आई, तो इसलिए हम तो आज भी आकर के कर रहे हैं, वैसे तो जब हम यहाँ आते हैं तब करते हैं, तो वो करते हुए इसका भी एक सब दिन के लिए एक राजकीय समारोह के रूप में इसका भी इसको भी शामिल कर एनडीए को भी बहुत मिली है उसमें अच्छी खासी, उस पर क्या कहेंगे? अब तो ठीक ही है, अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है जो जानते नहीं ना है आजकल, ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है, और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था